जय गढ़रिया व्रत दोस्तों, आज इस वीडियो में हम देखेंगे डिमांड ऑफ धनगरात स्टेट। तो फ्रेंड, गद्दी गडेरिया वर्ल्ड में आपका स्वागत है और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट नोटिस देना चाहता हूँ कि इस वीडियो का उद्देश्य भारत की अखंडता को कमज़ोर करना नहीं है। भारत महान देश था, महान रहेगा। देश की जातिवादी नेताओं के कारण भारत जातिवाद का शिकार हो रहा है। इस वीडियो के माध्यम से लोगों को बतलाना है। हमारा उद्देश्य भारत देश में धनगराज जैसे महान राज्य को स्थापित करना और भारत का नाम विश्व में शीर्ष पर लाना है। तो फ्रेंड, ये जो आप मैप देख रहे हैं, ये महाराष्ट्र का मैप है, जिसमें आप देख सकते हैं महाराष्ट्र जो है फ्रेंड, वो कई सारे सब स्टेट में बटा हुआ है, यानी कि छोटे छोटे भाग में बटा हुआ है। जैसे कोंकण रीजन, पूना रीजन, नागपुर रीजन, नासिक रीजन, औरंगाबाद रीजन, अमरावती रीजन। तो फ्रेंड, इसमें जो आप ये नीले रंग में जो क्षेत्र देख रहे हैं, पूना रीजन, तो फ्रेंड यहाँ पर धनगर समाज की कम्युनिटी बहुत ज़्यादा है। तो फ्रेंड, ये इस स्टेट को साथ में, ये स्टेट जो है फ्रेंड, जो नीला पोर्शन है, ये कर्नाटक राज्य से लगा हुआ है, नॉर्थ कर्नाटक से। तो नॉर्थ कर्नाटक में भी गडरिया लोग बहुत हैं, यानी कि धनगर, और इस ब्लू पूले रीजन में भी धनगर लोग बहुत हैं। तो फ्रेंड, जिस तरीके से मैं आपको फ्रेंड इतिहास बताता हूँ कि गुजरात का जो, वैसे तो भारत में जो राज्यों की स्थापना होती है फ्रेंड, वो लिंग्विस्टिक बेसिस पर है, यानी कि भाषा के आधार पर आप भारत के किसी नए स्टेट को बना सकते हैं। तो आंध्र प्रदेश भारत का पहला एक ऐसा राज्य था जहाँ पर भाषा जो है उसके आधार पर सबसे पहले भारत में उसका डिवाइडेशन किया गया था। तो फ्रेंड देखिए, जैसे कि आप जानते हैं, आंध्र प्रदेश में कप्पू नाम की जो जाति है, कप्पू रेडी जिसको बोल देते हैं, वो बहुत ज़्यादा मात्रा में है, उन्होंने अपना अलग कर लिया। उसके जैसा एग्जांपल देखिए फ्रेंड, कुछ जातियाँ ऐसी होती हैं जिनकी अपनी खुद की बोली और भाषा होती है। तो सरकार बहुत चालू थी, यानी कि जो जातिवादी नेता थे वो बहुत चालू थे, उन्होंने क्या किया फ्रेंड, जाति, देखिए कुछ सीमित जातियाँ होती हैं जो उसी क्षेत्र में निवास करती हैं, और वो जाति के बेसिस पर ना जाकर अपनी भाषा के बेसिस पर अपने स्टेट को तुड़वा लेती हैं। जैसे आप उत्तराखंड का देखिए एग्जांपल, उत्तराखंड में दो सब ग्रुप्स हैं, गढ़वाली और कुमाऊनी, और आप जानते हैं कि गढ़वाली और कुमाऊनी लोग में ज़्यादातर जो है राजपूत हैं, गढ़वाली राजपूत, और दूसरे नंबर पर ब्राह्मण हैं। तो फ्रेंड उन्होंने भाषा के बेसिस पर या कुछ भी जो भी उनका फंडा था उसके बेसिस पर वो उस स्टेट को अलग करा चुके हैं, जो कि उत्तर प्रदेश से अलग हो गया। तो फ्रेंड अगर आप वहाँ पर अब देखेंगे, बेशक उन्होंने किसी बेसिस पर अलग कराया उस राज्य को, तो फ्रेंड आप देखते हैं कि वहाँ पे जो मुख्यमंत्री है वो या तो गढ़वाली राजपूत बनता है या गढ़वाली ब्राह्मण बनता है, ठीक है। और कभी कभी फ्यूचर में चांस आएगा तो किसी दलित को बना देंगे, ठीक है, क्योंकि दलित भी वहाँ पर 20% है। उसके बाद हिमाचल में देखिए, हिमाचल प्रदेश में क्या है, ज़्यादातर वहाँ पर राजपूत हैं, 60% राजपूत हैं, और उसके अलावा फ्रेंड कुछ और जातियां हैं, 50% राजपूत हैं और 30% ब्राह्मण हैं। तो ये लोग वहाँ पर फ्रेंड सत्ता में हैं। उसके अलावा देखिए फ्रेंड, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, जिनकी जाति गुर्जर थी, उन्होंने पहले जो गुजरात, आज की हम तारीख में देखते हैं, गुजरात नाम का कोई स्टेट ही नहीं था पहले। गुजरात का अगर आप आज़ादी से पूर्व का मैप देखें तो फ्रेंड वो बॉम्बे प्रेसिडेंसी, मध्य प्रदेश के कुछ एरिया, सौराष्ट्र, कच्छ, इन सब एरियाओं को जुड़कर ये नया राज्य बना दिया गया गुजरात, ठीक है फ्रेंड। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल भी गुर्जर थे, मैं एक उनके ऊपर डिटेल में वीडियो बताऊंगा फ्रेंड, कि जो कश्मीर का मुद्दा उन्होंने, इतना जो बड़ा मुद्दा था वो क्यों उन्होंने कश्मीर का मुद्दा रहने दिया, ये सब आलतू फालतू के अड़ंगे तड़ंगे लगा दिए, जबकि जो हैदराबाद था वो बहुत बड़ा, कश्मीर से भी कई गुना बड़ा वो था, उस पर इंडियन आर्मी लगा के उसको भारत का हिस्सा बना लिया, लेकिन जम्मू कश्मीर को नहीं, क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल जो हैं वो जम्मू कश्मीर के उस क्षेत्र को गुर्जरिस्तान बनाना चाहते थे, जिसमें कि जिस क्षेत्र में गुर्जर जाते हैं उसकी डिमांड आज भी लोग करते हैं। और जम्मू कश्मीर में आपने कई बार न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा, वहाँ के जो गुर्जर हैं वो बोलते हैं हम यहाँ पे गुर्जरिस्तान बनाना चाहते हैं, जिस एरिया में गुर्जर ज़्यादा हैं। इसका जो बीज बोकर गया था वो सरदार वल्लभ भाई पटेल ही बोकर गया था, और वहाँ पर वो गुर्जर रेजिमेंट की भी डिमांड करते हैं। तो देखिए फ्रेंड, बहुत से लोग ऐसे थे भारत इतिहास में कि जो अपनी जाति को सर्वोपरि मान के बाकी पूरे भारत का तो भला कर दिया, लेकिन अपनी जाति को कहीं ना कहीं ऊपर रखा। उसके बाद देखिए फ्रेंड, अभी मैं कुछ स्टेट्स बता रहा हूँ जो लोग डिमांड कर रहे हैं कि ये स्टेट बन जाए तो
फ़ायदा होगा, वो कुछ ना कुछ अलग, कोई विकास का मुद्दा ले लेता है, कोई कुछ किसी चीज़ का मुद्दा ले लेता है। तो फ्रेंड इस तरीके से बुंदेलखंड में फ्रेंड, जो कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का जो कुछ क्षेत्र है इसको बुंदेलखंड बोलते हैं, उस पर बहुत दिनों से डिमांड चल रही है। अगर आप उस बुंदेलखंड में देखेंगे फ्रेंड, मेजॉरिटी किस कास्ट की है तो वो लोधा राजपूतों की वहाँ पर डोमिनेंसी है, सबसे ज़्यादा विधायक शिधायक बन रहे हैं। जिस दिन बुंदेलखंड अलग हो गया तो लोधे लोग अपने आप पर गर्व करेंगे कि हमारा एक अलग स्टेट बन गया। उसके बाद देखिए फ्रेंड, वेस्ट यूपी में फ्रेंड जो मेजॉरिटी है वो जाट लोगों की है। वैसे जाट के आधार पर फ्रेंड हरियाणा सबसे बड़ा राज्य है जो जाटों की मेजॉरिटी के लिए, इसलिए वहाँ पे आपने देखा हो ज़्यादातर जो आपके सीएम बनते हैं, डिप्टी सीएम बनते हैं, सब जाट ही बनते हैं। पश्चिम उत्तर प्रदेश को अलग कर देंगे तो वहाँ दो दूसरा हरियाणा बन जाएगा, दूसरा जाट प्रदेश बन जाएगा, इसको अलग करने की बात चल रही है। ठीक है फ्रेंड, उसके अलावा फ्रेंड देखिए राजस्थान में एक भीलवाड़ा जगह पड़ती है तो एक भीलवाड़ा स्टेट की अलग से डिमांड चल रही है। उसी तरीके से फ्रेंड कुछ स्टेट्स हो रहे हैं जो जाति के बेसिस पर कर रहे हैं, और हमारे जो शेफर्ड कम्युनिटी है वो सोया हुआ है, उसको बाहरी राजनीतिक बाहरी ज्ञान का उसको पता ही नहीं है। तो फ्रेंड जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि हमारे लोग गडरिया रेजिमेंट की तो डिमांड कर रहे हैं लेकिन कोई एक ऐसे स्टेट की डिमांड नहीं कर रहा जहां पर इनका दबदबा हो या इनके नाम से स्टेट जाना जाए। आज फ्रेंड देखिए गढ़वाली राजपूतों ने अपना अलग स्टेट बना लिया है, कुछ टाइम बाद लोधे राजपूत भी अपना अलग स्टेट बना देंगे। और जो फ्रेंड पूर्वांचल की बात चल रही है तो फ्रेंड देखिए पूर्वांचल में सबसे ज़्यादा मेजॉरिटी जो है फ्रेंड वो दो कम्युनिटी की है, एक तो यादव है वहाँ पर सबसे ज़्यादा और देन कुर्मी। लेकिन अगर आप कुर्मी को देखें तो फ्रेंड कुर्मी से ज़्यादा मेजॉरिटी किसी की नहीं है। साथ में बिहार आ रहा है, बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जी वो भी कुर्मी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। तो फ्रेंड अगर ये पूर्वांचल बन गया तो ये कुर्मियों का राज्य माना जाएगा। तो फ्रेंड आप जैसे भी आपको अंतर मंत्र तंत्र करने हैं तो फ्रेंड ये जो पूना रीजन है इसको कोशिश करें कि इसको धनग्रात की आवाज़ उठाएं, ट्विटर पर ट्वीट करें। जिस तरीके से मैं वीडियो बना रहा हूं फ्रेंड, मेरी वीडियो को कॉपी करके आप डाल दीजिए अपने चैनल पर, तो फ्रेंड मैसेज तो जाएगा लोगों के पास। तो फ्रेंड ये देखिए जो मैंने आपको नेक्स्ट बताया फ्रेंड, ये देखिए तो ये हम इसकी स्टेट की डिमांड कर रहे हैं। तो फ्रेंड ये हमारा धनग्रात स्टेट होगा, इसमें कुछ एरिया कर्नाटक का भी इसमें ऐड हो जाएगा, तो फ्रेंड इस स्टेट का नाम धनग्रात हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, तो मेरा आप सभी लोगों से यही कहना है कि फ्रेंड इस धनग्रात स्टेट की डिमांड उठाएं। अभी आप जानते हैं फ्रेंड महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा मराठा लोग हैं, वो मराठावाड़ा एक नया स्टेट बनाना चाह रहे हैं, महाराष्ट्र के अंदर भी एक मराठावाड़ा स्टेट बनाना चाह रहे हैं फ्रेंड। ठीक है, जिस तरीके से देखिए फ्रेंड हम आज़ादी के समय से ही धनगर रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं महाराष्ट्र में, हमें धनगर रिजर्वेशन मिला नहीं, हमारे बाद मराठा लोगों ने स्टार्ट किया, उनको मिल गया रिजर्वेशन फ्रेंड। हम उन्होंने अब रिजर्वेशन ले लिया है, देन उसके बाद वो मराठावाड़ा स्टेट भी ले लेंगे, देन उसके बाद और भी कोई अपना मराठा रेजिमेंट तो उनकी बनी हुई है ऑलरेडी। तो फ्रेंड ये हम अपने आप को या तो भारत का सदस्य ही ना माने, क्योंकि यार फ्रेंड अगर भारत को डिवाइड करना है, इस तरीके से तोड़ना है, अभी फ्रेंड बहुत सारे स्टेट्स की बात चल रही है कि ये स्टेट टूटेंगे। तो फ्रेंड एक चीज़ मेरी बात हमेशा याद रखना, आपके क्षेत्र में भी अगर आप कहीं रह रहे हैं, अगर उस क्षेत्र में कम्युनिटी बाहुल में रह रही है तो फ्रेंड उनकी एक अलग भाषा होती है, उसी को वो भाषा का नाम देकर बोल देते कि भाई यहाँ की भाषा अलग है, इसको अलग करो, क्योंकि वो जाति के बेसिस पर तो बोल नहीं सकते। तो फ्रेंड धनगर समाज को अब सोते हुए नहीं रहना है, जागना है, पढ़े लिखों की तरह वर्क करो, पॉलिटिक्स को समझो, आखिर हम भी भारत के सदस्य हैं, हमें भी भारत की नागरिकता है। अगर सरकार ये मानती है कि धनगरात स्टेट से करने से देश विरोधी है तो फ्रेंड हमें एक अलग देश दे दो, हम अपना एक अलग देश बना कर रह लेंगे। वैसे मेरा जो मोटिव है वो देश से, भारत देश से अलग होने का नहीं है, क्योंकि फ्रेंड भारत का नाम पहले आर्यव्रत था। आर्य कौन लोग थे? गडरिया लोग थे, भारत को गडरियाव्रत भी बोला जाता था। तो फ्रेंड भारत के बिना गडरियाओं के बिना भारत और भारत के बिना गडरिया अधूरे हैं। तो फ्रेंड हमारे एक स्टेट होना चाहिए धनगरात। उसी तरीके से कर्नाटक के लोगों को, जो उत्तर कर्नाटक है उनके लोगों को कुरुनाडु के नाम से अपना एक नया स्टेट की डिमांड करनी चाहिए। तो फ्रेंड इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू फ्रेंड।